सात महीने के बाद इंतजार करने के बाद फाइनली आदिपुरुष का ट्रेलर का रिलीज हो चुका है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई जो टीजर था वो ट्रेलर से कैसे अलग है, मतलब क्या क्या चीजें अलग है। तो भाई कल से मैंने टीजर और ट्रेलर दोनों को कम से कम 50 से 100 बार देख ली और देखने के बाद से आपके लिए बहुत ज्यादा कंपेरिजन वाला वीडियो लाया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम समझ जाओगे कि एक्चुअली ने मतलब मेकर से मतलब ओम रावत जी ने क्या डायरेक्शन दिया, मतलब क्या चेंजेस किए सात महीने। और भाई सब ये चीज देखने के बाद से ना मेरे को लग रहा है कि भाई सात महीने में ये बस इतना सा चेंज हुआ, सच में बता रहा हूं, मतलब ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा जल्दी हो सकता था, लेकिन मेकर से इतना देरी क्यों लगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट तक आपको बताऊं कि एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने वीडियो साइड में लगा दिया हुआ है कि एक्चुअली में ऊपर का जो फुटेज आपको दिखेगा पहले वो रहेगा पहले का जो टीजर था वो है, और नीचे वाला जो मैं आपको दिखाने वाला आफ्टर, मतलब है कि अभी जो ट्रेलर है आप देखो स्टार्टिंग का जो हम लोग देखते हैं तो यहां पर बहुत सारा जंगल दिखाया जाता है। अब यहां पर तुम एक चीज नोटिस करो, यहां पर माइनर चेंजेस है, बस कलर ग्रेडिंग का चेंजेस। अब यहां पर जो मूवी मतलब ट्रेलर स्टार्ट होता है और जो टीजर स्टार्ट होता है, जो टीजर में था वहां पर प्रभास से हम लोगों को दिखाए गए थे एंट्री, अब यहां पर जो है हनुमान जी से हम लोग को एंट्री दिखाई गई। आप बोलोगे भाई साहब इसमें क्या अलग है, अलग है कि ऊपर वाला का तुम कलर देखो तो बहुत ज्यादा लाइटेन कलर लग रहा है और नीचे वाला का देखो इसको पूरा डार्क टोन में कर दिया गया, जैसे आप मान लेते KGF वगैरह बना था जिस टोन में। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते कि आगे और क्या देखने को मिलेगा। देखो कलर आप एकदम समझ सकते हो कि बिफोर और आफ्टर में क्या ज्यादा अंतर है, मतलब किस चीज का अंतर ये भाई साहब हम लोग फिल्टर मार के भी कर सकते। अब देखो ये मेन चीज, अब यहाँ पर तुम देखो भाई साहब ये मेन प्रभास जो यहाँ पर धनुष चला रहे ऊपर वाले में बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है, मतलब इतना ज्यादा लाइटन इफेक्ट है ना, यहाँ तक पानी भी व्हाइट दिख रहा है। लेकिन नीचे वाला में देखो तुम जो बादल है ना उसको ऐसा कर दिया कि जैसे बारिश वगैरह होता है तो बादल कैसे हो जाता है, मतलब अंधेरा टाइप का, उस टाइप का कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक और इफेक्ट मैं दिखाऊंगा जो VFX का काम किया गया। अब जैसे धनुष ऊपर चला था एकदम सेम टू सेम कोई चेंजेस नहीं, अब यहाँ पर तो देखो ऊपर में जो था बिजली नहीं कड़क रही थी लेकिन नीचे वाले में बिजली कड़क रही है। अब तुमको देखो यहाँ पर VFX में देखो भाई साहब ऊपर में तुमको VFX उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे वाले में जितना ज़्यादा जो मतलब लेयर्स बन रहे ना फ्लेयर वो बहुत ज़्यादा विजुअल है, दिख रहा है देखो यहाँ से तुम देख सकते हो। तो यहाँ से हम मान सकते हैं भाई साहब सिर्फ कलर ग्रेडिंग का काम हुआ एक्चुअली में। अब देखो यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर भी माइनर चेंजेस है, ओनली लाइटन से उसको डार्क टोन में कर दिया गया। तो जो भाई साहब बोल रहे थे कि VFX तो कहाँ VFX का चेंजेस है, बस कलर ग्रेडिंग किया गया। अब देखो चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अब इसके बाद वाले पार्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो बानर की सेना जो जा रही है तो यहाँ पर काफी ज्यादा कार्टूनिस्टिक लग रहा है और लाइट लग रहा है, लेकिन तुम नीचे वाले पे देखोगे तो तुमको नीचे वाले पे दिखेगा कि भाई साहब यहाँ पर डार्क है सिर्फ, कुछ चेंजेस नहीं है। चेंज कहाँ है मैं तुमको बता रहा हूँ, चेंजेस है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखो जो हनुमान जी उड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम है, ऊपर में लाइटन और नीचे में जो है वो डार्क टोन है। चलो उसके बाद से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सीता माँ के साथ जो राम जी का है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें, बस लाइट को डार्क टोन में कर दिया गया, बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडियंस दे दिया गया। तो ये चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है मूवी को भाई साहब, सात महीने में बस ये कलर ग्रेडिंग हुआ फाइनल। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अब ये भाई साहब बानर भाई सोच रहे थे कि भाई इनको किसी ने नहीं देखा ना ट्रेलर या टीजर, बस भाई हम बैठे हैं ना हमने इनको देख लिया। और भाई देखो नीचे वाले में ये सोच रहे भाई साहब तुमने मेरे को कैसे देख लिया, ऊपर में देखो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और नीचे वो बहुत ज़्यादा नाराज है, मतलब शांत समझ लो। अब देखो यहाँ पर फेस का तुमको डिफरेंट दिखेगा, ऊपर वाला बहुत ज़्यादा कार्टून लग रहा है और नीचे वाला पूरा किंग कॉन्ग लग रहा है, जैसा किंग कॉन्ग तो पूरा टू कॉपी किंग कॉन्ग लग रहा है, और कलर का तो समझो वो लाइटन और नीचे वाला पूरा डार्क मतलब बादल। अब यहाँ देखो भाई साहब ऊपर में जो वाटर है ना बहुत ज़्यादा ब्लू दिखाया गया, एक्चुअली में सी का जो वाटर है ना ब्लू ही होता है, लेकिन नीचे दिखाया गया एक्चुअली में जो बादल है ना वो पानी गिरने के टाइम का ऐसा मतलब नाइट टाइम समझ लो ये इवनिंग टाइम का बना दिए। तो एक्चुअली में तुम सोचो कि सिर्फ इन्होंने कलर पे ही काम किया, मतलब जो लाइट था उसको डार्क कर दिया। या अभी तक तो भाई मेरे को यही लगा भाई लाइट को सिर्फ डार्क कर दी और जो बानर था उसका थोड़ा सा शक्ल चेंज किया। अब यहाँ पर भी देखो सुन जो पानी वाला उठा सेम है। अब भाई सब यहाँ मेन देखो मेन चीज है सैफ अली खान का जो आँख में लेंस है ना भाई नीचे भी सेम लेंस है, तो एक्चुअली में इनका जो फेस छुपाया गया है ना तो मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई सब उनका जो दाढ़ी है या
जो 10 सर है या जो वो ड्रैगन पे आ रहे हैं वो चीज शायद चेंज किया होगा। तो भाई 7 महीना में सिर्फ कलर ग्रेडिंग ही चेंज हुआ, तुम्हारे सामने मैंने लाइव प्रूफ रख के दिखा दिया कि क्या क्या चेंजेस है। तो अब इससे क्या समझ सकते हैं मेरे को तुम लोग कमेंट में जरूर बताना, एक्चुअली में तुमको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस हुआ है। तो भाई चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।